नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई सुनील सर में। दोस्तों राजस्थान का इतिहास, राजस्थान हिस्ट्री में आज फिर से राजस्थान इतिहास की विविध प्रकार के क्वेश्चन लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसे मेवाड़ है, मारवाड़ है, आमेर का क्षेत्र है, जालौर के क्षेत्र से कुछ पूछे जाने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर आगामी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहती है। ऐसे क्वेश्चनों का संग्रह लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने, जो मेवाड़ क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने कितने वर्षों तक अपने जीवन में शासन किया? तो उन्होंने कितने वर्षों तक, 24 वर्षों तक शासन किया। दोस्तों महाराणा प्रताप जो हैं उनके पिता का नाम क्या है? उदय सिंह। उनकी अपनी प्रिय कौन सी रानी? भटियानी रानी। कौन सी रानी है? भटियानी रानी के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। किसने? उदय सिंह। उदय सिंह ने अपनी रानी कौन? भटियानी जो रानी है उनके पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन उदय सिंह की मृत्यु के बाद जो सरदार हैं उन सरदारों ने उसके बड़े पुत्र कौन? महाराणा प्रताप को 1572 ईस्वी को मेवाड़ का क्या बना दिया? शासक बनाया। ठीक है दोस्तों, महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था? जयवंता बाई था। क्या नाम था? जयवंता बाई। जो कहाँ की थी? जो पाली नरेश अखेराज सोनग्रा की क्या थी? पुत्री थी। पाली नरेश अखेराज सोनग्रा की क्या थी? पुत्री थी। तो ये 24 वर्ष तक शासन किया था किसने? मेवाड़ पर महाराणा प्रताप ने। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उस राजा का नाम निम्न में से क्या था? किसके अनुसार? कुमारपाल प्रबंध के अनुसार उसमें उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया, उस राजा का नाम निम्न में से क्या है? तो दोस्तों उसका नाम क्या है? चित्रांग के द्वारा, चित्रांग या फिर चित्रांगद जो है, मौर्य ने 1810 फीट ऊंचे गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम स्थल के समीप ही वहां पर एक दुर्ग बनाया जिसका नाम क्या था? चित्तौड़ का दुर्ग, जिसके संबंध में दोस्तों कहा जाता है गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सबे गढ़ैया। ये उक्ति निम्न में से किस दुर्ग के संबंध में है? तो वो किसके संबंध में है? चित्तौड़ दुर्ग के संबंध में है कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब क्या है? गढ़ैया है। ये चरितार्थ कि इस उक्ति को चरितार्थ करने वाले इस दुर्ग का जो निर्माण है वो मौर्य राजा किसने? चित्रांग या चित्रांगन के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा। 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? कब? 1679 में किन किन के बीच मुगल सम्राट औरंगजेब और राणा राज सिंह इन दोनों के मध्य कटुता उत्पन्न हो गई थी, वह निम्न में से उसका कारण क्या था? तो वह कारण था राणा राज सिंह के द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री सारुमती से विवाह कर लेना। ठीक है, ये विवाह है जो है ये इन दोनों के मध्य ही विवाद का एक कारण बन गया था। किन दोनों के मध्य? ये औरंगजेब और राणा राज सिंह के मध्य। दोस्तों किशनगढ़ के राजा जो है वो कौन थे? रूप सिंह थे। कौन थे? रूप सिंह। किशनगढ़ के जो नरेश हैं उनकी, रूप सिंह है, उनकी पुत्री का नाम क्या था? चारुमती। चारुमती मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने इसकी इच्छा के अनुसार उसकी धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब के विरुद्ध कब? 1660 ईस्वी में विवाह कर लिया। ये बात बादशाह औरंगजेब को पसंद नहीं आई, और जब ये बात उनको पसंद नहीं आई तो औरंगजेब और राज सिंह जो है इन दोनों के मध्य क्या हो गया? विवाद हो गया। दोनों के मध्य क्या हो गया? विवाद हो गया। तो उसका कारण चारुमती का विवाह माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राठौड़ शब्द निम्न में से बना है, जो दक्षिण की एक जाति थी। कि राठौड़ जो शब्द है वो निम्न में से किस में से बना है? जो दक्षिण की एक जाति थी तो वो कौन थे? राष्ट्रकूट। राठौड़ जो है ये राष्ट्रकूट जो है उससे उत्पन्न एक शब्द है। ये राठौड़ शब्द जो एक राजपूत जाति के लिए प्रयुक्त होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? राष्ट्रकूट कहते हैं। राष्ट्रकूट का प्राकृत रूप, ये जो राष्ट्रकूट है दोस्तों इसका प्राकृत रूप क्या है? तो दोस्तों इसका प्राकृत रूप जो है ये रटऊड है। क्या नाम है? रटऊड है, जिसे राडऊड उसके बाद में उससे क्या बन गया? धीरे धीरे उसी शब्द से क्या बन गया? राठौड़ शब्द बन गया।
ठीक है, अशोक के जो शिलालेख हैं, कुछ दक्षिण जातियों के लिए रिष्टिक, लटिक, रटिक शब्दों का प्रयोग किया जाता था, और ये सभी किस शब्द से, ये सभी रट शब्द से प्राकृत रूप है, जो वर्त अंत में किस शब्द के रूप में प्रयुक्त हुए, राष्ट्रकूट शब्द के रूप में काम में लिए गए। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी, कि इनमें से कौन से युद्ध में, कि खानवा के युद्ध में कौन से मारवाड़ के शासक ने महाराणा सांगा की सहायता करी है, तो वह कौन था, वह रावे गंगा था। ठीक है दोस्तों, खानवा का युद्ध कब, 1527 ईस्वी को हुआ, तो राव गंगा ने अपना पुत्र कौन, रावे मालदेव, मालदेव के नेतृत्व में लगभग कितने सैनिक, 4000 सैनिक भेजकर किसकी सहायता करी थी, राणा सांगा की सहायता करी थी। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कि मारवाड़ का वह कौन सा शासक है जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करी थी, तो वह कौन था, वह राव गंगा था, जिसने अपने पुत्र किसको, रावे मालदेव को, किसको, रावे राव मालदेव के नेतृत्व में लगभग कितने सैनिक, 4000 सैनिक भेजे गए थे, तो वह सहायता करने वाला कौन था, राणा राव गंगा थे। ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में, किन किन के मध्य हुआ था, तो एक तरफ से कौन था, महाराणा सांगा, दूसरी तरफ से कौन था, इब्राहिम लोदी, तो इन दोनों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों इसी प्रकार से अगर क्वेश्चनों को व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। किस शासक ने 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनराधिकार राव जैतसी के पुत्र कल्याणमल को दे दिया, कि उनमें से वह कौन सा शासक है जिसने 1544 ईस्वी को बीकानेर का पुनराधिकार किसको दे दिया, राव जैतसी को दे दिया, वह कौन था, तो कौन था, शेरशाह, कौन था, शेरशाह। दोस्तों क्या होता है कि शेरशाह जोधपुर दुर्ग पर आक्रमण, किस दुर्ग पर, जोधपुर दुर्ग पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया था, किस पर कर लिया था, जोधपुर दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया, और वहां का प्रबंध किस, कहां का, जोधपुर दुर्ग का प्रबंधन जो है वो किसको दे दिया था, वो खवास को दे दिया था, किसको दे दिया था, खवास खां जो है उनको उसका जिम्मेदारी दे दी, वीरम को मेड़ता दे दिया, वीरम जो देव था उसको क्या दे दिया, वीरम देव को मेड़ता, नागौर का क्षेत्र, और जो कल्याणमल है उसको बीकानेर सौंपकर वह फिर अपनी राजधानी चला गया, अपनी राजधानी लौट गया, तो कल्याणमल को क्या दे दिया, कल्याणमल को वापस बीकानेर दे दिया, किसने दे दिया, शेरशाह ने, किसने दे दिया, शेरशाह ने। देखिए दोस्तों बता देता हूँ कि जोधपुर दुर्ग पर शेरशाह ने आक्रमण कर वहाँ का जो अधिकारी है किसको नियुक्त कर दिया, खवास खां को नियुक्त कर दिया, मेड़ता का वीरम देव को नियुक्त कर दिया, और बीकानेर का जो है वो किसको नियुक्त कर दिया था, कल्याणमल को नियुक्त कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, सवाई जयसिंह के राजकवि, राजकवि जिसने राम रासा की रचना की थी, इनमें से कौन है, किन के, सवाई जयसिंह, आमेर के सवाई जयसिंह के राजकवि थे जिन्होंने क्या है, राम रासा ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, तो वह कौन थे, तो वो दोस्तों कौन थे, श्री कृष्ण भट्ट कवि काल कला निधि, श्री कृष्ण भट्ट कवि कला निधि जो है उन्होंने उन्होंने राम रासा नामक एक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है दोस्तों, याद रखना जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के समय सबसे प्रसिद्ध विद्वानों में कौन थे, कवि कला निधि थे। ठीक है, जिनको श्री कृष्ण भट्ट भी कहते थे, उनके द्वारा राम क्रीड़ाओं पर जैसे क्या लिखा, राम रासा। दोस्तों राम रासा को एक और नाम से भी जानते हैं, और वह क्या है, वह राघव गीतम है। क्या नाम है, राघव गीतम, राम रासा को राघव गीतम भी कहा जाता है, जो श्री कृष्ण भट्ट यानी कवि कला निधि के द्वारा लिखी गई थी। इसी तरह जयसिंह पर उन्होंने क्या लिखा था, राम रसाचार्य, क्या लिखा था, राम रसाचार्य भी किसने लिखा था, ये भी यहाँ कवि कला निधि के द्वारा ही लिखा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन, बीकानेर के राजा राज सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया, कि बीकानेर के राजा राय सिंह हैं, कब उनको 1593 में, निम्न में से कौन से अभियान पर भेजा गया था, तो कौन से अभियान पर, छट्टा अभियान जो है, छट्टा अभियान है, इस छट्टा अभियान पर भेजा गया था, किनको, राय सिंह को, कब भेजा गया था, 1593 में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया, कि जब महाराजा जसवंत सिंह है उनका राज्यारोहण हुआ उस समय उनको कितना मनसब दिया गया था, तो दोस्तों याद रखना महाराजा जसवंत सिंह है उनको 4000 जाट और 4000 सवार का मनसब प्रदान किया गया था।
किसकी समय, जब महाराजा जसवंत सिंह का राज्यारोहण हुआ था। दोस्तों 1638 ईस्वी में मुगल सम्राट कौन है, शाहजहां। कौन है, शाहजहां ने जसवंत सिंह के खिलाफ जड़ाऊ जमदर टीका दिया तथा उसे 4000 जाट और 4000 सवार का मनसब देकर मारवाड़ का शासक स्वीकार किया था। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि महाराजा जसवंत सिंह को राज्यारोहण के समय 4000 जात और 4000 सवार जो हैं वो निम्न में से किस शासक के द्वारा दिए गए, तो किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा दिए गए। ये कब की बात है, तो ये 1638 के समय की बात है। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ाने का तरीका, क्वेश्चन कैसे लगे मुझे समय समय पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहे। चलिए अगला क्वेश्चन, शाहजहां द्वारा शाह सूजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से सेनापति कौन था, कि शाहजहां द्वारा शाह सूजा के विरुद्ध भेजी गई, किसके विरुद्ध, शाह सूजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना है उसका निम्न में से सेनापति कौन था, तो कौन था, मिर्जा राजा जयसिंह। दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह है को सूजा के साथ साथ, किसके, अभी शाह सूजा जो है उनके साथ साथ कंधार भी भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था, कंधार भी भेजा गया था। शाहजहां ने उसे मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया, किसको, जयसिंह को। अमेरिके शासक जयसिंह है उनको मिर्जा की उपाधि किसने दी थी, तो किसने दी थी, शाहजहां ने उनको मिर्जा की उपाधि दी है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था, कि इनमें से कौन है जो राजस्थान का पहला चौहान राज्य था, तो वह कौन है, नाडोल। कौन है, नाडोल के चौहानों की शाखा का संस्थापक दोस्तों साकंबरी नरेश कौन था, वाकपति राज। कौन था, वाकपति राज, जो किसका पुत्र था, लक्ष्मण का, क्या है, लक्ष्मण चौहान का क्या था, पुत्र था, जिसने 960 ईस्वी के लगभग सावड़ा राजपूतों से स्वतंत्र होकर कौन से वंश की, चौहान वंश की स्थापना की थी, किसने, वाकपति राज ने, किसके पुत्र थे, लक्ष्मण के। कब, 960 में क्या किया, चौहान वंश की नींव डाली, किससे स्वतंत्र होकर, वो सावड़ा जो राजपूत थे उनको, उनसे स्वतंत्र होकर चौहान वंश की नींव डाली है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसी प्रकार से अगर प्रतिदिन आप क्वेश्चनों को व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं और आप जांच करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां पर आपको प्रतिदिन मिलेंगे राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, राजनीति विज्ञान के से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, कि 1585-86 ईस्वी में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ वह कौन था, कब किस समय की बात है, 1585-86 ईस्वी के समय में, कि केवल वह राजपूत शासक कौन है जिसको 5000 मनसब प्रदान किया गया, तो वो कौन था, राजा मानसिंह। राजा मानसिंह जो है उसको कौन सी विजय के उपलक्ष्य में, काबुल विजय, कौन सी विजय है, काबुल विजय के उपरांत किसने, मुगल सम्राट अकबर ने कितने मनसब, 5000 मनसब दिया, मतलब 5000 जात और उसको क्या दे दिए, 5000 सवार प्रदान कर दिए गए, किसको, राजा मानसिंह को, जो आमेर के शासक भगवान दास के पुत्र थे। कब दिया गया इनको, 1585-86 में, कौन सी विजय के बाद में, काबुल विजय के बाद में, काबुल अभियान पर भेजा गया था, किसको, राजा मानसिंह को, किसने भेजा था, अकबर ने, इसलिए उनको ये उपाधि दी गई। अगला क्वेश्चन है, इजरा माना जाता है, कि निम्न में से दोस्तों इजरा क्या है, तो दोस्तों इजरा जो है ये राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए है, कि इजरा प्रणाली है उससे अनेक स्थानों पर ठेका अथवा अंकबंदी, क्या है, अंकबंदी के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर राज्य में इजरा प्रणाली को क्या कहा जाता था, मुकाता कहा जाता था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इजरा जो प्रणाली है, जो राजस्व की एक ठेका प्रणाली है, इसे बीकानेर राज्य में क्या कहा जाता था, तो इसे मुकाता के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, मुकाता के नाम से जाना जाता था, या दोस्तों इसका अन्य जो नाम है उसको ठेका प्रथा कह सकते हैं, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, आंकबंदी के नाम से भी पहचाना जा सकता है। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मदद ए मास मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी, कि मदद ए मास मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी, तो क्या, विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाली एक उपाधि मानी जाती है। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान में जब्दी एक प्रणाली थी, कि मध्यकालीन जो राजस्थान है उसमें जब्दी क्या थी, तो दोस्तों जब्दी थी भू लगान निर्धारण की एक विधि, कि भूमि पर लगान निर्धारण की एक विधि मानी गई है, क्या,
जब्दी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जब्दी क्या है, या मध्यकालीन राजस्थान में जब्दी एक प्रणाली थी उसका मतलब क्या है, तो भू लगान निर्धारण की एक विधि को क्या कहा जाता है, जब्दी के नाम से जाना जाता है। जब्दी का दोस्तों अर्थ होता है नाप कर कर देना, क्या देना, कैसा कर देना है, नाप कर करे देना, ठीक है। जैसे बंटाई एक प्रणाली थी जो उपज का निश्चित भाग था, अनाज की जितनी उपज होती थी उसका एक निश्चित भाग होता था बंटाई, इसी प्रकार से जब्दी है वो एक नाप कर दिया जाने वाला क्या था, करे माना जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाला शासक ही था, कि छत्रपति शिवाजी हैं उनको पुरंदर की संधि करने के लिए निम्न में से कौन से शासक ने उनको क्या किया था, विवश किया था। दोस्तों याद रखना पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो 1665 ईस्वी में हुई है, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में होती है, और मिर्जा राजा जयसिंह हैं उन्होंने शिवाजी को, यानी मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी कौन सी संधि, पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665 ईस्वी को हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल उड़ीसा बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई थी, कि जो अकबर हैं उनकी नवरत्नों में से वह कौन है जिसने बंगाल उड़ीसा और बिहार में अफगानों के विद्रोह को दबाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो वह राजा मानसिंह था, वही था 5000 मनसबे दार, ठीक है। ये अकबर का नवरत्न राजा मानसिंह था जिसने बंगाल जो है ये 1594 में, कब 1594 में उड़ीसा बिहार में अफगानों के विद्रोह दबाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई, कि जोधपुर में कौन से समाज, आर्य समाज की स्थापना निम्न में से कौन से शासक के शासनकाल में हुई है, तो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासन काल में, कब हुई है, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासन काल में जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ है, कि ओसिया, ओसिया जोधपुर में कौन, महावीर स्वामी जो जैन मंदिर है उसका निर्माण कौन से राजा के काल में हुआ, तो वत्सराज प्रतिहार के काल में हुआ है, कि जो किसको है, जैन जो समर्पित है, जैन मंदिरों का निर्माण जो है ये वत्सराज प्रतिहार के द्वारा करवाया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुंडियार री ख्यात का विषय क्या है, मुंडियार री ख्यात का जो विषय है वो मारवाड़ के राठौड़ों का विषय है, किनका है, मारवाड़ के राठौड़ों। दोस्तों ये जो ख्यात है उसमें राव सिहा, कौन है, राव सिहा द्वारा मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना को लेकर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम तक का वर्णन है, कौन से, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के शासनकाल तक का वर्णन किया गया है, ये जसवंत सिंह के जीवन काल पर लिखी गई थी। इस ख्यात को दोस्तों, इसी ख्यात को क्या कहा जाता है, राठौड़ों की ख्यात भी कहा जाता है, कि निम्न में से कौन सी ख्यात को राठौड़ों की ख्यात कहा जाता है, तो वह कौन है, मुंडियारी ख्यात, मुंडियारी ख्यात को राठौड़ की ख्यात भी कहते हैं, जो मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, कि वह उस कारखाने का नाम बताइए जहां कलाकार जो हैं वो क्या करते थे, चित्र और लघु चित्र बनाते थे, तो वह कौन था, सूरतखाना था। जयपुर राज्य में सूरतखाना कारखाने में कलाकार जो है वो क्या करते थे, चित्र और लघु चित्र बनाने का काम करते थे, जिसका नाम क्या था, कारखाना। अगला है, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जैमल और फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था, कि वह कौन सा दुर्ग है जिस दुर्ग को अकबर को जीतने के लिए जैमल और फत्ता के बड़े ही विरोध का सामना करना पड़ा, तो वह कौन सा दुर्ग था, चित्तौड़ का दुर्ग था। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप क्वेश्चनों को इसी तरह व्याख्या सहित प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था, कि जब मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप थे उस समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया, तो दोस्तों वो कितनी बार गए थे, तीन बार गए थे। कितनी बार, शाहबाज खां है वो मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए तीन बार गए थे। अकबर ने मेवाड़ को विजित करने का दायित्व किसको सौंप रखा था, शाहबाज खां को ही सौंप रखा था। शाहबाज खां ने 1578 से
1580 के बीच मेवाड़ के विरुद्ध लगभग कितनी बार सैन्य अभियान भेजे गए थे? 3 बार वो सैन्य अभियान लेकर गया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? कि पृथ्वीराज तृतीय और दूसरा कौन, मोहम्मद गोरी, उनके मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो 2 युद्ध लड़े गए थे। कौन से दोस्तों? तराइन के जो युद्ध है, तराइन के युद्ध लड़े गए थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध है वो 1192 में। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है तृतीय हैं वो विजय हुए थे और दूसरे युद्ध में कौन, मोहम्मद गोरी विजय हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगर दोस्तों आप क्वेश्चनों को इस तरह व्याख्या सहित प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता? किस में से कौन सा स्थान है जहाँ पर इतिहास में कोई जौहर नहीं हुआ? तो वह कौन सा है? सिरोही। सिरोही में कोई जौहर नहीं हुआ दोस्तों। गागरोन में 2 बार हो चुका है, रणथंबोर में 1 बार जौहर हो चुका है तथा जालौर में भी 1 बार हो चुका है क्या, जौहर, लेकिन सिरोही में कोई जौहर की घटना नहीं हुई। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं, उनके समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो कौन था, परमर्दी देव था। कौन था, परमर्दी देव। पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में महोबा, कौन सा, महोबा, महोबा के चंदेल शासक कौन, जिसको अपन दोस्तों परमाल भी कहते हैं, परमर्दी देव भी कहते हैं, को हरा कर संधि के लिए विवश किया था और उस समय उन्होंने कई राज्यों को अपने अधिकार में, कई गांवों को अपने अधिकार में ले लिया था। किसने, पृथ्वीराज ने। कब, 1182 ईस्वी में महोबा का युद्ध, जिसको अपन कहते हैं महोबा का युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और परमर्दी देव के मध्य हुआ था। परमर्दी देव हार गया था, जो चंदेल शासक था, और इसीलिए पृथ्वीराज चौहान ने उसके कई क्षेत्रों को विजित कर लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं, उसी के समकक्ष चालुक्य शासक किसे माना गया है? तो भीमदेव द्वितीय। भीमदेव द्वितीय चालुक्य शासक थे, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के क्या माने गए हैं, समकालीन माने गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? 1572 और 73 ईस्वी में अकबर, मुगल सम्राट अकबर ने जोधपुर जो है वो किसको दे दिया था? तो बीकानेर के राजा रायसिंह को दे दिया था। किसको दे दिया था, बीकानेर के रायसिंह को, जो अकबर के अकबर है 1572 ईस्वी में कुंवर रायसिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया और वहां उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया था, 3 वर्षों तक अपना अधिकार रखा था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय हो सका? इस उदय सिंह के साथ किसने, पन्ना धाई ने क्या छोड़ दिया था, चित्तौड़ छोड़ दिया था, तो इसमें से कौन से स्थान पर उनको आश्रय मिला? तो वह कौन सा स्थान है, कुंबलगढ़। पन्ना धाई कुछ सरदारों के सहयोग से किसको, उदय सिंह को चित्तौड़ से निकालकर कहां ले गई थी, उनको कुंबलगढ़ ले गई थी। और वहां का किलेदार कौन था, वहां का किलेदार था आशा देवपुरा। कौन था, आशा देवपुरा जो है, उन्होंने किनको, उदय सिंह और पन्ना को अपने पास से रखा था। ठीक है, वो दासी पुत्र जो बनवीर है वो उदय सिंह की हत्या करना चाहता था और पन्ना धाय जो है उन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया, जो चित्तौड़ के दुर्ग से निकालकर कुंभलगढ़ दुर्ग ले आई थी और वहां पर कौन, आशा देवपुरा जो किलेदार था उन्होंने उनकी रक्षा करी है। दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, की वह राजपूत रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था वह कौन थी? तो दोस्तों वह कौन थी, रानी पद्मिनी थी। कौन थी, रानी पद्मिनी थी, जिसने अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उस समय सैकड़ों महिलाओं के साथ रानी पद्मिनी ने क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था, जो रतन सिंह की क्या थी, पत्नी थी। दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहे, साथ ही दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।